जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सल्यूट किया भाई, ये न्यूज बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। इंडिया इज गोइंग टू गेट ए टेस्ट ऑफ ग्लोबल लीडरशिप। आज भी एडवाइस करूंगा आपके पाकिस्तानी देखने वालों को कि प्लीज खुदारा भारत का भी चैनल कभी निकाल के देखा करें कि वो तरक्कियों की कौन सी मंजिलों पे जा रहा है। आप नोटिस करें, इन ऑल दोस मीटिंग्स मोदी इज टॉकिंग। हैव यू नोटिस के मोदी इज टॉकिंग, ही इज लिसनिंग, राइट? ऐसा नहीं है कि जैसे कि बाइडन ऐसा हाथ रखा हुआ है लेकिन मोदी की उंगली चल रही है। ही इज द वन टॉकिंग। So, I have a feeling that he is more prepared for these meetings than they are. एक घर में दो आर्मी चीफ लगाना चाहते हैं, कैसे मुमकिन होगा? पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त अफगानिस्तान का नक्शा पेश कर रहा है। वो अपनी तरक्की कर रहे हैं, इस वक्त उनके पास 600 बिलियन डॉलर्स पड़े हुए हैं। जहां जहां भी इंडियंस है, दे आर डूइंग वेल एंड दे आर रिस्पेक्टेड। ना वो क्राइम में इन्वॉल्व है, ना किसी दूसरे नेगेटिव एक्टिविटीज में है। तो मोदी को खड़े होकर सलूट किया जो बाइडन ने, तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत है, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली कि अमेरिका जैसी कंट्री भी सलूट कर रही है और जो बाइडन आके सलूट कर रहा है इंडिया को। जो बाइडन ने नरेंद्र मोदी को सलूट किया भाई, ये न्यूज बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट कर रही है ऑल ओवर द वर्ल्ड की मीडिया के अंदर। गाइस, इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूं, पाकिस्तान G20 समिट के अंदर पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता, पाकिस्तान हिस्सेदारी नहीं है। पाकिस्तानी पब्लिक के पास जाऊंगा, उनसे पूछूंगा कि क्या वजूहत है, क्या मसाइल है पाकिस्तान फेस कर रहा है इस टाइम के अंदर, और G20 समिट के अंदर पाकिस्तान पार्टिसिपेट क्यों नहीं कर सकता, पाकिस्तान इस अहल क्यों नहीं है, इस बारे में पाकिस्तानी पब्लिक से पूछूंगा। इंडिया डे बाई डे डेवलप क्यों होता जा रहा है, किस वजह से तरक्की कर रहा है, क्या वजूहत है उसके डेवलप होने के पीछे। जो बाइडन समिट के अंदर आए और आते साथ ही एंटर होते साथ ही मोदी पर नजर पड़ी, तो मोदी को खड़े होकर सलूट किया जो बाइडन ने, तो इसके ऊपर मीडिया ने बहुत हाइप क्रिएट किया कि क्या वजूहत है, क्या इंडिया ने इतनी रिस्पेक्ट हासिल कर ली कि अमेरिका जैसी कंट्री भी सलूट कर रही है और जो बाइडन आके सलूट कर रहा है इंडिया को। एक्चुअली ये सलूट जो बाइडन जो है वो मोदी को नहीं कर रहा, वो बेसिकली एक पॉलिसी मैटर होता है। पॉलिसीज उनकी इतनी स्ट्रांग है, इंडिया एक बहुत बड़ी इकोनमी है, तो वो उसको सलूट कर रहा होता है। तो ये कोई पर्सनल रिलेशंस इसके अंदर नहीं आते कि वो उसका कोई बहुत अच्छा कोई दोस्त है तो उसको सलूट कर रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। सर, बाय नेशन इंडिया कैसा? बाय नेशन तो आपको पता है वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुस्लिम्स भी हैं, हिंदू भी हैं, और अगर पाकिस्तान भी देखें तो पाकिस्तान भी इंडिया से ही लैदा हुआ है, तो बाय नेशन तो हमारी तरह के ही लोग हैं वहाँ पे भी। तो सर, हमारी तरह के लोग होने के बावजूद भी वो स्ट्रॉन्ग तो होंगे ना किसी न किसी चीज़ से, जो इतना डेवलप कर गए अपने आप को, अपनी सोच बदली, मुल्क बदल दिया। हमारी सोच कैसी है, क्या हमने सोच बदली है? अगर सोच बदली तो मुल्क क्यों नहीं बदला, अगर नहीं बदली तो कब बदलेंगे? एक्चुअली ये मल्टी फैक्टर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व हैं, यानी सिविलियन गवर्नमेंट को चलने ना देना, और बार बार इस मुल्क के अंदर आपको पता है मार्शल